दोस्तों नमस्कार। बालोतरा जिला कलेक्टर सुशील कुमार ने गुरुवार को समदड़ी पंचायत समिति, तहसील ऑफिस और हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया। पंचायत समिति में अधिकारियों को हर विकास का काम क्वालिटी के साथ करने के सख्त निर्देश दिए। हॉस्पिटल में पर्ची काउंटर, दवाई काउंटर, वार्ड का निरीक्षण किया। भर्ती मरीजों से इलाज को लेकर जानकारी ली, परेशानी भी पूछी। वहीं डॉक्टर व मेडिकल स्टाफ की उपस्थिति रजिस्टर को भी देखा। कलेक्टर ने हॉस्पिटल प्रभारी से दवा के स्टॉक संबंधी जानकारी भी ली। राजस्थान में सरकार बदलने के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। बालोतरा कलेक्टर सुशील कुमार लगातार जिले के अलग अलग उपखंड मुख्यालय व तहसील हॉस्पिटलों का निरीक्षण कर रहे हैं। गुरुवार को कलेक्टर सबसे पहले पंचायत समिति समदड़ी पहुंचे, वहां पर उपस्थिति अधिकारी और कर्मचारियों की जानकारी जुटाई। वहीं अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास के कार्य धरातल पर दिखे और इसके बाद जिला कलेक्टर सुशील कुमार ने समदड़ी हॉस्पिटल पहुंचे, वहां पर पर्ची काउंटर, वार्ड, हॉस्पिटल में साफ सफाई सहित व्यवस्थाओं को देखा। वहीं साफ सफाई में सुधार करने के निर्देश दिए। वार्ड में भर्ती मरीजों से बात कर इलाज संबंधी जानकारी ली। दवाइयों को लेकर भी मरीजों से पूछा। निःशुल्क दवाई काउंटर पहुंचे, वहां पर ऑनलाइन स्टॉक देखा। हॉस्पिटल प्रभारी से इलाज की में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने और सरकारी योजनाओं का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। जुड़े रहे हमारे साथ हर छोटी से बड़ी खबर के लिए। अशोक सेरा टीम से मैं आपका साथी जसवंत सिंह शिवकर। आज यहाँ पर जो समदड़ी में तहसील ऑफिस है, जो हमारा पंचायत समिति है, जो CHC है और भी जो अन्य जो सरकारी जो कार्यालय है, उनका निरीक्षण किया गया है। एक बार देखने के हिसाब से कि आप किस प्रकार की व्यवस्था, किस प्रकार की परिभाषा यहाँ पर चल रही है। उदाहरण के तौर पर जो हमारी हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है, काफ़ी पुरानी और जर्जर स्थिति में है, उसको लेकर के नया भवन भी बन गया, तो कोशिश करेंगे कि उसके जल्द से जल्द उद्घाटन हो करके वहाँ पर जो लोगों को जो सुविधा है वहीं पर मिले। इसी प्रकार से जो विकास के जो कार्य जो पंचायत समिति द्वारा कराए जाते हैं, हमारा प्रयास है कि वो समय पूर्वक हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समय से राहत मिले। सर, अधिकारियों के जो कार्यों का फीडबैक वगैरह लिया है, तो उसको लेकर उनकी कार्य व्यवस्थाओं को लेकर कोई आसान नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो सरकारी जिस प्रकार की प्रक्रिया रहती है, एक सिस्टम रहता है साथ मॉनिटरिंग का, किस प्रकार से मॉनिटरिंग की जाए, कौन काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, किस प्रकार का काम कर रहा है, वो तो जब आप डाटा देखते हैं तो उन चीज़ों से वैसे क्लियर हो जाए। तो उसी के लिए एक बार निरीक्षण करने के लिए आए थे कि किस प्रकार का एरिया है, किस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था है, क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या हम लोग और अच्छा कर सकते हैं। सर, इसके निर्देश AC का जो आपने निरीक्षण किया, सर, थैंक यू।